हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग शेप्स एंड शेड्स। मैं हूं शीतल और आज मैं लेके आई हूं फ्रेंड मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली स्किन। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो किन किन फॉर्म्स के मॉइस्चराइजर आपको मार्केट में मिल सकते हैं वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। फ्रेंड्स, मेरी खुद की स्किन भी ऑयली है तो मैं भी इनको यूज करती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं यूज करती हूँ। सबसे पहले ये है जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर फ्रॉम लैक्मे 9 to 5 नेचुरल जेल कलेक्शन। मैं अगर इसकी बात करूं तो ये मैं यूज कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 6 to 7 मंथ्स। इसके पहले मैं यूज करती थी फ्रेंड्स पतंजलि का एलोवेरा जेल, अगर आप वो चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर की, तो देखिए ये आता है ऐसे ट्रांसपेरेंट शेड में, बहुत ही लाइट वेट होता है ये होता है, ये ऐसी होती है, इसकी कंसिस्टेंसी वाटरी होती है और ये इजिली ब्लेंड हो जाता है स्किन में। वाटरी होने की वजह से ये क्या आपकी स्किन में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है एंड बहुत ही लाइट वेट होता है, तो आपको फील नहीं होता कि आपने अपनी स्किन पे कुछ लगा रखा है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आई वुड सजेस्ट यू, रिकमेंड यू कि गो फॉर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। बट अगर आपको ट्राई करना है कि भाई मुझे जेल बेस से भी अलावा कोई और भी मॉइस्चराइजर है, तो आई वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड यू दिस लैक्टोकैलामाइन का ऑयल बैलेंस मॉइस्चराइजर। ये जो है ये आता है सॉफ्ट क्रीम फॉर्म में, इसका टेक्सचर मैं आपको बता दूं, तो ऐसा आता है इसका टेक्सचर और ये कलर। ये जेल से तो थिक है लेकिन इतना थिक भी नहीं है, ये इजिली ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन में, देखिए इजिली ब्लेंड हो गया। एंड इसकी जो प्रॉपर्टी है ऑयल बैलेंस की, ये वो काम करता है ऑयल बैलेंस करने का एंड वो जो चिपचिपापन होता है आपके फेस पे वो आपको इससे नहीं फील होता है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर तो मैं सजेस्ट करूंगी लैक्टोकैलामाइन का ऑयल बैलेंस मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली स्किन। एंड थर्ड टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर जो मैं रिसेंटली यूज कर रही हूँ वो है ये कोकोनट ऑयल। फ्रेंड्स, जो कोकोनट ऑयल है मैं यूज़ कर रही हूँ ये लास्ट 10 to 15 डेज से, क्योंकि मेरी जो नाइट क्रीम थी वो खत्म हो गई थी एंड कोकोनट ऑयल इज वेरी मच ट्रेंडिंग नाउ डेज, तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई के देखते हैं इस कोकोनट ऑयल से मेरे स्किन पे क्या इफेक्ट या इम्पैक्ट होता है। तो मैंने इसे ट्राई किया एज अ नाइट क्रीम। तो आपको इसे लेना है सिर्फ 1 ड्रॉप। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूँ, सिर्फ 1 ड्रॉप आप लीजिए अपने हाथों में एंड इसको अपनी स्किन पे ब्लेंड कर लीजिए अच्छे से, ये आपकी स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। अब मैं बात करूँ कोकोनट की, तो फ्रेंड्स कोकोनट का जो बेसिक नेचर होता है वो होता है कूलिंग, तो ये आपकी स्किन को कूल करेगा जिससे आपके स्वेटिंग में कंट्रोल होगा और ये आपकी स्किन को ओवरनाइट रिपेयर करता है एंड ये आपकी स्किन को फेयरनेस भी देता है। फ्रेंड्स, आपको लगेगा कि मैं क्या कह रही हूँ आपसे, बट आप ट्राई कीजिए इसको 10-15 डेज के बाद और फिर आके मुझे बताइए कि आपको ये कोकोनट ऑयल कैसा लगा। तो ये थे 3 different फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चराइजर, जेल बेस्ड, क्रीम बेस्ड एंड ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली स्किन। आप ये सारे ट्राई कर सकते हो। कोकोनट ऑयल के बारे में मैं ये कहूँगी आपको कि आप इसको दिन में मत लगा के निकलिएगा, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो गो फॉर नाइट क्रीम ओनली, इसको रात में लगाइए आप, तो आपको ओवरनाइट इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।